दुनिया बावरे, खोवत जन्म गमारे। प्राणी सुरक्षति अपनी आत्माओं को जगाने के लिए जब मस्कत आवासी बंदर पहुंचते हैं तो वहां वे स्वलीला द्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान देते हैं और वहां का जो भी जनमानस होता है जब उनके चरणों में आने लगता है तो पहले जिन कथाकारों से वे चर्चा सुना करते थे उनको बहुत बुरा लगता है और उसमें जब व्यवधान डालने लगते हैं तो एक किरंतन उतरता है, रे वो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, मत माती माया की छकी, सुनत नहीं पुकार। ये सृष्टि की कहानी है। संसार में जिसने भी सत्य का प्रचार किया है उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। आप देखेंगे बुद्ध के ऊपर संसार ने पत्थर फेंके, गालियों का उपहार दिया, महावीर स्वामी को अपमानित होना पड़ा, ईसा मसीह को संसार ने क्रूस पर चढ़ा दिया, सुकरात को भी विष का प्याला पीना पड़ा, मोहम्मद साहब को भी कष्ट होना पड़ा, लेना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी प्राण रक्षा के लिए मक्के से मदीने जाना पड़ा। जिसने भी कहा कि एक परमात्मा की भक्ति करो वो किसी को रास नहीं आया। संसार जिस अंधकार में भटक रहा है यदि उसको प्रकाश में आने के लिए कहिए तो पहले क्या होता है, पहले लोग विरोध करते हैं और बाद में मौन हो जाते हैं और साथ में चलने लगते हैं। यही कहानी है। मोहम्मद साहब ने भी जब कहा कि एक परमात्मा को मानो तो अरब के लोगों ने उनका विरोध किया और आज अरब की ये स्थिति है कि कोई एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी का नाम ले ले तो शायद उसको मार ही देंगे। संसार जिस रास्ते पर चल रहा होता है उसमें वो संशोधन पसंद नहीं करता, भले ही वो गलत रास्ते पर भटक गया हो तो क्या। इसलिए कहते हैं कि रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म कंवर। सारे देश को एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान देने के प्रयास में ऋषि दयानंद को 14 बार विष पीना पड़ा। उन्होंने तो यही कहा कि भाई एक परमात्मा की भक्ति करो, जड़ पूजा छोड़ो, लेकिन संसार क्यों सुनने वाला था। आज से 350 वर्ष पहले लगभग जब श्री जी के चरण कमल मस्कत बंदर में पड़ते हैं, आवासी बंदर में पड़ते हैं, तो भारत से जो हिंदू प्रजा गई थी वहाँ अपना व्यवसाय कर रही थी, उनको ये अलौकिक लाभ मिला था है। लेकिन जिन कथाकारों को परेशानी थी उन्होंने जो व्यवधान डाले तो इस किरंतन का आशय क्या है। अक्षरातीत जिस तन में बैठकर परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए वाणी का ज्ञान दे रहे हैं, परम धाम की पहचान करा रहे हैं, एक स्वलीला द्वैत सच्चिदानंद की पहचान करा रहे हैं, वो संसार को अच्छा नहीं लगा। खोवत जन्म गवार, गवार किसको कहते हैं, जो बुद्धि से विहीन हो। मूर्ख कहना कठिन शब्दों में आता है, लेकिन जिसके पास बिल्कुल भी बुद्धि ना हो तो उसको क्या कहते हैं, ये बिल्कुल बुद्धि से रहित है। इस संसार को आप गीता के उदाहरण दीजिए, वेद शास्त्र के उदाहरण दीजिए, किसी भी ग्रंथ का उदाहरण दीजिए और कहिए कि नहीं, परमात्मा चेतन है, उस एक चेतन की पूजा करो, भक्ति करो, प्रेम करो, तो कहेगा कि क्या हम अपनी देवी देवताओं को छोड़ दें। भोली भाली जनता को ही मालूम ही नहीं है कि कभी नहीं कहा गया कि देवी देवताओं को छोड़ो, और उसने तो देवता का अर्थ ही नहीं जाना। देवता किसको कहते हैं, जो हमेशा देना जानता है। आप देखिए सूर्य अभी अस्त हो जाए तो यहाँ अंधेरा छा जाएगा, बल्ब जलाने पड़ेंगे। सूर्य आपसे 1 रुपया भी तो नहीं मांगता, आपको निःशुल्क में प्रकाश देता है। ऑक्सीजन ना हो तो आपका जीवन नहीं रह जाएगा। वायु से क्या है, आपका जीवन चलता है। जल न मिले तो क्या होगा, आप जीवित नहीं रह सकते। ये सभी जड़ देवता हैं, लेकिन ये उपास्य तो नहीं, क्योंकि इन वायु को, जल को, अग्नि को, सबको बनाने वाला कौन है, कोई और अलौकिक सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है।
जो हमारे घरों में प्रत्यक्ष देवता रहते हैं, माता है, पिता है, इन्होंने जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, आचार्य है जिसने ज्ञान दिया है, देवता तो ये है। पति के लिए पत्नी देवी है, पत्नी के लिए पति देवी देवता है, इनको छोड़ने के लिए कौन करता है? बल्कि ये तो शास्त्र कहता है मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देव भव, इनको ये देवता है, इनका सम्मान करो, इनको प्रणाम करो। देवता का अर्थ तो हिंदू समाज ने समझा ही नहीं। एक कहानी कर ले कि 33 करोड़ देवता होते हैं, हम इनको क्यों छोड़ें? 33 करोड़ देवता का अर्थ क्या होता है पहले समझिए। इस वर्ष अग्नि यात्रा के कार्यक्रम में मुझे कई बार इसकी व्याख्या करनी पड़ी है, क्योंकि पूरे हिंदू समाज में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, आसाम से सिंध तक जाइए, ये बीमारी फैली है। लोग कहते हैं कि हम अपने देवी देवता को क्यों छोड़ें, हमारे तो 33 करोड़ देवता हैं। भाई 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 देवता हैं। कोट का अर्थ होता है प्रकार। यस्य त्रयत्रिंशत् देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा स्कम्भं तं ब्रूहि कृतमासो देवा। अथर्ववेद में क्या कहा गया है कि 33 देवता, 33 देवता कौन कौन से हैं? अष्ट वसु, जैसे अभी मैंने आपको बताया, 5 तत्व हैं, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। आपका शरीर भी तो 5 तत्वों का बना है, ये सारा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों का बना है। सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र इनके द्वारा सृष्टि का पालन होता है, इनमें सृष्टि वास करती है, इसलिए इनको वसु कहते हैं। ये 8 वसु हैं। द्वादश आदित्य हैं, वर्ष के 12 महीने, क्योंकि समय की गणना इनके बिना नहीं हो सकती। आपकी उम्र भी 12 महीनों में ही मापी जाती है, 12 और 8 20। एकादश रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन। जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगे संबंधी रोने लगते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये रुलाने वाले हैं, क्योंकि 10 प्राण 11वें मन के बिना हमारा जीवन ही नहीं चल सकता। सबके रुलाने वाले होने से इनको रुद्र कहते हैं। 31, 32वां होगा यज्ञ। इसमें आप क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करना किसको कहते हैं? प्रजापत को यज्ञ कहते हैं। जो 32वां देवता है वो प्रजापति है। प्रजापति किसको कहते हैं? यज्ञ करने को। आप चर्चा सुन रहे हैं तो यज्ञ कर रहे हैं, मैं सुना रहा हूं तो मैं भी यज्ञ कर रहा हूं, आप ध्यान कर रहे हैं तो भी आप यज्ञ कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। अग्नि कुंड में सुगंधित पदार्थ डालने, अभी क्या है, डेंगू का असर फैल रहा है, आप घर में लोबान जला दीजिए, सुगंधित पदार्थ डला दीजिए तो मच्छरों का आतंक चला जाएगा, कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, ये क्या है? यज्ञ करना है। आप ध्यान करते हैं आत्मा में, परमात्मा के प्रेम की अग्नि में अपनी आत्मा को डालते हैं। परमात्मा के प्रेम रूपी अग्नि में आत्मा की आहुति डालना सबसे बड़ा आध्यात्मिक यज्ञ है, इसे कौन वंचित हो? ये शुभ कार्य करना ही यज्ञ है। ये 32 देवता हैं। 33वां देवता क्या है? इंद्र। इंद्र किसको कहते हैं? ऐश्वर्य का जो कारण है। ऐश्वर्य का कारण क्या है? विद्युत। यदि एक दिन के लिए गोधरा में लाइन आनी बंद हो जाए तो सभी शोर मचा देंगे कि हमारे कारखाने कैसे चलेंगे, और तो और मेरी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि लाउड स्पीकर अपना काम करना बंद कर देगा। जो ऐश्वर्य का कारण है ये 33वां देवता है इंद्र। ये जड़ देवता है, इनकी पूजा करने का कोई विधान नहीं है। हाँ, इनका रक्षण करना चाहिए। जल का संरक्षण कीजिए, वायु का संरक्षण कीजिए, ये तो बात समझ में आती है। वृक्ष लगाएंगे तो वायु का संरक्षण होगा, ये देव पूजा है। ये नहीं कि घर में मिट्टी के या सीमेंट के चबूतरे कहीं बना देते हैं, कहीं गोल गोल बना देते हैं, कहीं चौकोर बना देते हैं, कह देते हैं कि हमारे देवता है। देवता को तो आपने पैदा कर दिया, क्योंकि आपने चबूतरे बना दिए, कह दिए कि हमारा देवता है, तो देवता को जन्म देने वाले तो आप सर्वशक्तिमान परमात्मा की तरह आप हो गए। इसलिए हिंदू समाज को अपनी भ्रांतियाँ दूर करनी चाहिए। देवता का तात्पर्य यह है जो हमें कुछ दे रहा है, और सभी देवताओं का देवता परम देव कौन है? जिसको महादेव कहते हैं। महादेव का तात्पर्य वो नहीं जो हाथ में त्रिशूल लिए कैलाश में रहते हैं। महादेव का तात्पर्य कौन है? संपूर्ण देवताओं का जो स्वामी, एक अलौकिक परमात्मा जो सत्चित आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, उसको कहते हैं परम देव। एको देव है सर्वभूतेश गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।
एक देव कौन है? देव किसको कहते हैं? जो आनंद स्वरूप हो। एक परमात्मा सर्वभूतेषु गुणः, सभी प्राणियों में विद्यमान है। कर्माध्यक्ष, सभी के कर्मों का अध्यक्ष है, दृष्टा है। सर्वभूत अधिवासा, सभी प्राणियों को आश्रय देने वाला है। साक्षी चेता, सबके कर्मों का वह साक्षी है, चैतन्य है। और निर्गुण च, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से परे है, उसलिए वो निर्गुण है। ये तो परम देव की व्याख्या की गई है। साक्षात अपने परम देव को छोड़कर, एक सच्चिदानंद परमात्मा को छोड़कर, ये हिंदू समाज आप देख रहे हैं कहाँ भटक रहा है। और यही सबसे बड़ी नादानी होती है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज, सत्य को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। अभी मैंने कहा पूजा करनी चाहिए देवता की, मैं भी कहता हूँ देवता की पूजा करनी चाहिए। पूजा का अर्थ क्या समझते हैं? पूजा का अर्थ ये नहीं कि आप अच्छे अच्छे भोग रख दीजिए और बार बार मत्था टेकिए, पूजा उसको नहीं करते। पूजा का अर्थ होता है सत्कार। सत्कार कैसे होता है? सम्मान से। जो महापुरुष हैं उनके गुणों का सम्मान कीजिए, वही उनकी पूजा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा क्या है? हम उनके जैसे बने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी झूठ नहीं बोला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए नंगे पांव 14 वर्षों तक वन में रहना स्वीकार किया। यदि आप उनकी तरह सत्य का पालन करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, एक आदर्श पिता के रूप में राम का कोई विकल्प नहीं है। आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, जो अपनी प्रजा की खुशियों के लिए अपनी पटरानी को, सीता को, जो गर्भवती अवस्था में, उनका भी परित्याग करने के लिए तैयार हो जाए दुखी मन से, क्योंकि मेरी प्रजा चाह रही है तो छोड़ दो। ऐसा कोई संसार में कोई राजा नहीं हुआ। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों का यदि हम अनुसरण करते हैं तो हम राम के पुजारी हैं। शंकर जी के पुजारी तो गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि शंकर जी भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, तो वो नशा करने लगते हैं। शंकर जी ने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, वो तो हिमालय पर बैठे हैं ध्यान में। याद रखिए कोई भी योगी कभी भी किसी तरह का नशा नहीं कर सकता, और जो नशा करेगा वो ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता। शंकर जी की पूजा क्या है? जैसे शंकर जी मोह ममता छोड़कर परमात्मा के ध्यान में बैठे हैं, यदि हम भी संसार की ममता को छोड़कर एकांत में बैठकर ध्यान में लग जाएं, तो क्या कहा जाएगा? हम शंकर जी के गुणों का अनुसरण कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की पूजा क्या है? बुद्ध के आचरण को आदर्श मानना, हम उनके पद चिन्हों पर चलें। जैसे सिक्किम की तरफ और आप चले जाएंगे, बर्मा में बौद्ध धर्म है, सिक्किम में कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, चाइना में तो नास्तिकवाद है लेकिन फिर भी कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। और जानते हैं चाइनीज तो दुनिया का कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको न खाते हैं, कुत्ते और बिल्ली को भी नहीं छोड़ते। बुद्ध ने क्या कहा? किसी प्राणी की हिंसा न करो। जो भगवान बुद्ध एक हिरण के बच्चे की रक्षा के लिए राजा के सामने आ जाते हैं कि इसको तीर न मारो, मुझे मार लो, आज उन्हीं भगवान बुद्ध के अनुयायी सभी पशु पक्षियों का मांस खाते हैं। सर्प भी वही खाएंगे, मेढक भी खाएंगे। जिस काक्रोच से आप परेशान रहते हैं उसका भी वो सूप पी लेते हैं। जिस दीमक से परेशान रहते हैं वो उनका बहुत प्रिय भोजन है। कोई भी दुनिया के जीव को छोड़ते नहीं। तो बुद्ध की पूजा नहीं कर रहे हैं, बुद्ध का उपहास कर रहे हैं। राम ने केवट को गले लगाया। हम कहते हैं कि नहीं, हम तो ऊंची जाति के हैं, हम किसी छोटी जाति को गले नहीं लगा सकते, तो हम राम के, हमारी पूजा व्यर्थ है। राम ने केवट को गले लगाया, सबरी के जूठे बेर खाए। जानते हैं सबरी क्या थे? सबरी कितनी छोटी जात थी। मातंग ऋषि के आश्रम में गए। मातंग ऋषि जन्म से चंडाल थे लेकिन तप करके ब्राह्मण हो गए। जन्म से किसी की कोई जाति निर्धारित नहीं होती है। कर्मों से ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है, कर्मों से ही क्षत्रिय बनता है, कर्मों से ही वैश्य बनता है। यदि उसके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है। यदि उसमें प्रशासनिक क्षमता नहीं है तो उसको क्षत्रिय कहलाने का अधिकार नहीं है। और जो कृषि व्यापार में भी पीछे रहता है तो उसको वैश्य कहलाने का अधिकार नहीं है।
जिसमें किसी तरह की योग्यता नहीं हो तो उसको शूद्र कहा गया है। इसलिए जन्म के आधार पर किसी की कोई जाति निर्धारित नहीं होती। मातंग ऋषि चंडाल थे लेकिन तपस्या से ब्राह्मण हो गए। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, राजा थे, किंतु उन्होंने सोचा कि मैं तप करके ब्रह्मत्व प्राप्त करूंगा और जब तक उनको ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो गया, ब्रह्मर्षि नहीं बने, तब तक तपस्या करते रहे। एक बार उन्होंने सोचा कि वशिष्ठ ऋषि मुझको ब्रह्मर्षि नहीं कह रहे हैं तो मैं इनकी गर्दन काट दूंगा। उनके बेटे की हत्या कर चुके थे कि वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि का पद क्यों नहीं देते हैं। रात आधी रात्रि का समय था। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति पूछती है कि पति बताइए, पतिदेव इस समय संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है। विश्वामित्र तलवार लेकर के उसी वृक्ष के ऊपर चढ़े थे, छिपे बैठे थे कि आज मैं वशिष्ठ ऋषि की गर्दन काट दूंगा। बेटे को तो मार ही दिया हूँ, पिता को भी आज खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो मैं इतनी तपस्या कर चुका हूँ, ये मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते। वशिष्ठ कहते हैं कि देखो, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा चमक रहा है, उसी तरह से सारे संसार में विश्वामित्र के बराबर कोई तपस्वी नहीं है। अरुंधति पूछती है कि जब आप इतने मानते हैं कि विश्वामित्र जैसा कोई तपस्वी नहीं, तो आप उनको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते हैं। आपके पुत्र को उन्होंने मार डाला है, फिर भी आप नहीं उनको मान रहे हैं। कहा कि देखो, विश्वामित्र में क्रोध का विकार है, जब तक वो विकार नहीं छोड़ेगा वो ब्रह्मर्षि कहलाने के योग्य नहीं होगा। यह बात विश्वामित्र उस वृक्ष की ऊपर की डाली में बैठकर छिप करके सुन रहे थे। आकर चरणों में गिर पड़ते हैं कि महर्षि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। कहते हैं कि उठो ब्रह्मर्षि, उठो। विश्वामित्र आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मैंने आपके पुत्र को मार डाला, इतना कुछ कर डाला, फिर भी आपने मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया, आपने मुझे ब्रह्मर्षि कैसे कह दिया। कहा कि देखो, तुम्हारे अंदर क्रोध था, इसलिए तुमको ब्रह्मर्षि मैंने नहीं किया, आज से तुम ब्रह्मर्षि हो। एक राजा तप के द्वारा ब्रह्मर्षि कहलाता है, तो समझना चाहिए। चातुर्वर्ण्यम माया शिष्टा गुण कर्म विभागसा, गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्ण बनाए जाते हैं, जन्म से किसी की जाति नहीं है होती है। आज हिंदू समाज किसमें फंसा हुआ है, तीन चीजों में बुरी तरह से फंसा हुआ है। जाति पाति में, जो जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, कर्म के आधार पर होनी चाहिए। जन्म से सभी अज्ञानी पैदा होते हैं, जो जैसे संस्कारों को ग्रहण करता है वैसा बनता है। दूसरी है जड़ पूजा में, जो हमारी आत्मा का चेतन परमात्मा है उसकी भक्ति आज हिंदू समाज नहीं कर रहा है। किसकी पूजा कर रहा है, जो जड़ है। आप किसी भी महापुरुष की तो मूर्ति बनाएंगे, जो सच्चित आनंद परमात्मा है उसकी मूर्ति तो कोई बना नहीं सकता, क्योंकि किसी ने उसको देखा नहीं, इन आंखों से वो दिखाई नहीं देता। अनंत सूर्यों से अधिक जो प्रकाशमान है, इस माया के संसार में है ही नहीं, तो जड़ पदार्थों की मूर्ति हम कैसे बना सकते हैं। सुंदर शास्त्र भी आजकल एक बहुत बड़ी भूल हो रही है कि उन्होंने भी राजश्यामा जी की मूर्तियां बनाना शुरू कर दी है, चित्र बनाना शुरू कर दिया है। आप सोचिए, यदि ये था तो सागर श्रृंगार का 7 बार वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वाणी का उत्तरण क्यों हुआ, ज्ञान से हमें पहचान करना है कि राज्य श्यामा जी का श्रृंगार कैसा है। वो नूरी स्वरूप है, नूरी स्वरूप को आप किसी चित्र में नहीं ढाल सकते। कितना भी सुंदर बनाएंगे तो उसका करुणवां का करुणवां का भी करुणवां अंश नहीं बन सकता। राज्य की चितवनी कैसी लगेगी, इसके लिए एक सरल सा नुस्खा बना दिया है। चारों जोड़े चरण के ये जो अर्ष भुखन, ये लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरण। चारों जोड़े चरण के, राज्य के दोनों चरण कमलों में जो चारों आभूषणों की शोभा है, उससे युक्त दोनों चरणों कमलों की शोभा को आप अपने हृदय में बसा लीजिए, तो आवत स्वरूप पूरण नख से सिख तक राज्य का स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। वह स्वरूप आएगा प्रेम से आएगा। यदि आपने राज्य की श्यामा जी की मूर्तियां बना दी तो इतना अनर्थ हो जाएगा कि चितवनी की प्रक्रिया को बहुत आघात लगेगा।
राजी का स्वरूप प्रेम से आएगा, मूर्ति बनाने से नहीं, चित्र बनाने से नहीं। हाँ, किसी परमहंस के चित्र को आप रख सकते हैं, आदरपूर्वक रख सकते हैं, किंतु मूर्ति बनाएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। आप देखिए, सारे प्राणियों को जीवन कौन देता है? प्राण किसकी कृपा से चल रहे हैं? उनकी कृपा से। हमारे जीवन का आधार क्या है? प्राण का अर्थ हमारे प्राणों का प्रीतम नहीं, प्राण का अर्थ होता है जीवन। हमारे जीवन का आधार कौन है? एक अक्षरातीत आसिक इन चरण के, आसिक के रूप चरण, आसिक इन चरण के, धनी के चरणों की आसिक कौन है? परम धाम की परमात्मा। आसिक के रूह चरण और धनी के चरण कमल ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए रूह के समान है। धनी के चरणों के बिना परम धाम की आत्माएं एक पल भी रह नहीं सकती। आज आप यदि राज्य श्यामा जी की मूर्तियां बना देंगे तो कर्मकांड का नाम लेकर आप प्राण प्रतिष्ठा डालेंगे। आप सोचिए कितना बड़ा अपमान होगा। जिसकी कृपा से संसार के सारे प्राणी जीवित हैं। अथर्ववेद में एक सूक्त का नाम ही प्राण सूक्त। हम राज्य को प्राणनाथ कहते हैं। प्राणनाथ का अर्थ क्या होता है? जो हमारे जीवन का आधार है। प्राण रूपा प्रिया सर्वा तसाम नाथो अक्षरात परा। प्राण रूपा प्रिया सर्वा, सभी ब्रह्मात्माओं को क्या कहते हैं? प्राण। प्राण रूपा प्रिया सर्वा तसाम नाथो अक्षरात परा, उनका जो प्रीतम है कौन है? अक्षर से परे अक्षरातीत है। तेन असो प्राणनाथ ख्याता प्रिय सर्वा। इसलिए प्राणनाथ का अर्थ क्या है? प्रियाओं का जो प्रियपत है, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, अक्षरातीत है, उसको हम प्राणनाथ कहते हैं। प्राणनाथ किसी व्यक्ति को नहीं कहते। मैंने कहा तीन चीजें जो गलत हो रही हैं, एक तो जड़ पूजा, एक जाति परंपरा जो जन्म के आधार पर मान ली गई है जिससे हिंदू समाज लड़ रहा है, झगड़ रहा है, और एक है एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति छोड़कर, उपासना छोड़कर, प्रेम करना छोड़कर देवी देवताओं को ही हिंदू समाज समझ बैठा है। जिन प्रत्यक्ष चेतन देवताओं की पूजा होनी चाहिए उनको तो उनकी पूजा नहीं कर रहा है। जिन जड़ देवताओं का संरक्षण होना चाहिए, वायु का संरक्षण, जल का संरक्षण, तो देवता के आशय को जानना आवश्यक है। और ये अंधकार में समाज क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि अशिक्षा है। सारा समाज आज मंदिरों को राजमहलों का रूप देने में लगा है, पूरा हिंदू समाज। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, सुंदर से सुंदर मंदिर बने होते हैं। लोग यही सोचते हैं कि सुंदर मंदिर बना देंगे तो परमात्मा साक्षात आकर बैठ जाएंगे। आप देखिए, परमात्मा ने सभी प्राणियों के अंदर अपना एक मंदिर बनाया हुआ है जिसको कहते हैं हृदय मंदिर। वह जब मिलेगा तो आपके हृदय मंदिर में ही बना मिलेगा। आप कोई भी मंदिर बनाएंगे तो आप आंखें बंद करके अपने हृदय मंदिर में ही उसको खोजने का प्रयास करेंगे। मनंदिर तो इसलिए बनाए जाते हैं कि जन समूह वहाँ एकत्रित हो और उसको ज्ञान का प्रकाश दिया जाए, उसको ध्यान करना सिखाया जाए। जन समूह को एकत्रित करने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, मस्जिदें बनाई जाती हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे बनाए जाते हैं। लेकिन परमात्मा जब भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? आत्मा के हृदय में मिलेगा। कलयुगे मोमिन अरसे मनस्थ, कुरान भी कहता है कि आत्मा का हृदय ही परमात्मा का धाम है। उपनिषद क्या कहते हैं? हृदय यो आत्मन तिष्ठत यंत्रो यामा आत्मा नवे, जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, जिसको आत्मा का जिसे आत्मा नहीं जानती। तो आप सोचिए, आपके हृदय में वो बसता है। राज जी ने पूरी वाणी में एक सार बताया है, पूरी वाणी पढ़ लीजिए, एक सार क्या निकलता है? हक नजीक से रख से, ये पूरा सार है। वाणी का सार वैसे नहीं हो सकता, वाणी की व्याख्या हो सकती है, लेकिन हम संक्षिप्त रूप से कहना चाहें कि वाणी को एक वाक्य में कह दीजिए तो कहना पड़ेगा हक नजीक से रख से, राज्य हमारे प्राण की नली से भी निकट है। लेकिन ये कब होगा? जब हम तारतम्य ज्ञान में चिंतन लगेंगे। हर व्यक्ति यदि वह सोच लेता है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, हमारे हृदय मंदिर में है, और इस मंदिर को हमें स्वच्छ बनाना है। कैसे स्वच्छ बनेगा? पहले ज्ञान का प्रकाश भरना पड़ेगा। ज्ञान हृदय में आएगा तो हम जानेंगे
हम कौन हैं, आई कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है और उसको पाने के लिए हम क्या करें। लेकिन जब यह बात सुनाई जाती है तो संसार को अच्छा नहीं लगता। स्वयं श्री जी जब मस्कत बंदर में सुनाते हैं तो वहाँ जो कथावाचक थे, जो गीता भागवत की कथाएं सुनाया करते थे, रामायण की कथाएं सुनाया करते थे, उन्होंने सच्चिदानंद की कभी पहचान स्वयं भी उन्हें नहीं थी तो संसार को क्या देते। इसलिए जब वहाँ का जनसमूह श्री जी के चरणों में आने लगा तो उनको बहुत बुरा लगता है। तब विवश होकर श्री जी को कहना पड़ता है कि रेहू दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मत माती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। मेरी पुकार यह सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह संसार क्या है, आग बिना जलत अंग में, आग नहीं, बिना आग के वो संसार जल रहा है, काम की अग्नि में जल रहा है, क्रोध की अग्नि में, लोभ मोह अहंकार की अग्नि में सारा संसार जल रहा है, जलबल होत अंगार, और जलकर स्वयं उसी विषयों की तृष्णा की अग्नि में जलते जलते साक्षात वैसे ही देख रहा है। आप देखिए संसार क्या है, आप विदेशों में जाइए, अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, वहाँ की दिनचर्या क्या है, आप तो सवेरे सवेरे क्या खाते हैं, पोहा खाएंगे, रोटी सब्जी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, उनको चिकन खाना है, बियर पीना है, दोपहर को वही खाना है, रात्रि को भी वही खाना है। मुस्लिम देशों में भी जाइए तो ऐसा ही तामसिक भोजन करना पड़ता है, खाते खाते मानो कि न जाने कितनी पीढ़ियाँ गुजर जाती है जब से सृष्टि पैदा हुई है, मांस और शराब के नशे में संसार डूबता चला जाता है। इसके पास विवेक दृष्टि नहीं है कि ये मुझे जो मानवतन मिला है किस लिए मिला है, ये मानवतन मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए, जो जीवा को तृप्त करने के लिए संसार की बहुत सी योनियां पड़ी हैं, लेकिन ये केवल मानवतन है जो अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देता है, और अंतर्मुखी होकर के, क्योंकि जो कुछ संसार है बाहर दिख रहा है वो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, जब इस पिंड से परे हो जाएंगे, ब्रह्मांड से परे हो जाएंगे, शरीर और संसार से जो परे हो जाएगा वही परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करेगा, परम तत्व का आनंद लेगा। इसलिए कहते हैं एक तो संसार है अज्ञानी संसार, जो संसार में ही प्रेम खोजता है, संसार में ही आनंद खोजता है, संसार में ही सुख खोजता है, और मृतष्ठा के की तरह उसकी कभी भी प्यास नहीं मिटती है। जैसे गर्मी के मौसम में प्यास से तड़पता हुआ हिरण अपने प्राणों को छोड़ देता है, वैसे सुखों की चाह में मनुष्य अपने सारे जीवन को खो देता है। आज की युवा पीढ़ी का जीवन देखिए, 30 वर्षों तक दिन रात परिश्रम करके पढ़ता है कि मैं बड़े पद पर जाऊं, विदेशी कंपनी में जाऊं, विदेश जाऊं, वो जाता है 50 साल 60 साल के पश्चात क्या होता है, रिटायरमेंट ले लेता है, अब आगे का जीवन क्या बिताए, क्योंकि उसको अधिक धन कमाने की होड़ में ये पता ही नहीं चल पाया कि परमात्मा कौन है। हम उसको भी तो जान जाएं कि परमात्मा कौन है, अपने माता पिता से बिछुड़ा, सबसे बिछुड़ जाता है और अकेले में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ देता है, यही जीवन की कहानी। धन से साधन मिल सकते हैं, धन से आपको भोजन मिलेगा, भूख नहीं मिलेगी, धन से वस्त्र मिल सकता है, धन से रिश्ते तो बन सकते हैं, प्रेम आप कहाँ से लाओगे, रिश्तों में प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम तो आत्मा की वस्तु है, प्रेम कहाँ मिलेगा, अक्षरातीत के चरणों में, सासु शांति कहाँ मिलेगी, अक्षरातीत के चरणों में, आनंद कहाँ मिलेगा, परब्रह्म के चरणों में। संसार में प्रेम शांति और आनंद नहीं है, एक तृष्णा है। इसलिए कहते हैं कि ये मद्यमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार, ये मद में मस्त है, माया से, माया की यह दुनिया माया को ही पाकर के तृप्त होना चाहती है, सुनत नहीं पुकार, मेरी पुकार को ये सुन नहीं रही है, ये संसार है। संसार में सत्य की व्याख्या करने वाला कोई कोई बिरला होता है। नचिकेता से यमाचारी कहते हैं कि हे नचिकेता, पहले तो ब्रह्म ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने वाला भी कोई कोई मिलता है, सुनने वाले हजारों में कोई एक उस पर आचरण में लाता है,
और आचरण करने वालों में कोई कोई एक परम तत्व को प्राप्त करता है। ये संसार की कहानी है, अन्यथा सारा संसार क्या है? एक अंधेरी गली में, अंधेरी रात्रि में भटका जा रहा है, चला जा रहा है। वो सोचता है कि मैंने अपने इंद्रियों को सुख दे दिया, यही सबसे बड़ा साधन है। आप देखिए, जो मन एक पल में करोड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करता है, अभी चंद्रमा पर मन को केंद्रित कर दिया, आपका मन चंद्रमा पर चला गया, सूर्य पर चला जाएगा। जो मन इतने अल्प समय में असीमित वेग से गमन करता है, उसको संसार के सुखों में कैसे बांध सकते हैं? हाँ, एक साधन है, यदि इसमें विवेक हो जाए। मन पर नियंत्रण किसका है? चित्त का। चित्त पर नियंत्रण किसका है? बुद्धि का। बुद्धि का नियंत्रण कैसे होगा? पहले तो नियंत्रण होगा ज्ञान से। आपके अंदर सत्य ज्ञान हो जाए, आपकी बुद्धि में आ जाए कि ये सत्य है, ये असत्य है, तो बुद्धि चित्त को प्रेरित करेगी, चित्त के अच्छे संस्कारों को विकसित करेगी और उसका निर्देश मन तक जाएगा कि रे मन, अब तुम्हें सत्य मार्ग का अनुसरण करना है। दूसरा, आहार के द्वारा बुद्धि का शोधन होगा। तीसरा, ध्यान के द्वारा शोधन होगा। चौथा, प्राणायाम के द्वारा बुद्धि सही मार्ग पर चलने लगती है। जो इन संसाधनों को करता है, ज्ञान का, ध्यान का, सात्विक आहार का, प्राणायाम का, तो परिणाम क्या होता है? उसका मन सही सत्य असत्य का निर्णय करने लगता है। और मन जब सही मार्ग पर चलेगा तो इंद्रियां स्वतः ही चलने लगती है। नहीं तो क्या है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में अपनी छाया सो आप विगुति बल खोए चली हाथ। ये संसार क्या है? जीव है, जीव की शक्ति से अंतःकरण कार्य करता है और अंतःकरण किसका राजा है? इंद्रियों का राजा है। शरीर में हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। हम इंद्रियों को सुख करने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। इंद्रियों की राजा क्या है? मन। जैसे किसी को अफीम का नशा है, उससे पूछिए कि तुम अफीम क्यों खाते हो, तो क्या कहेगा कि मुझे इसकी आदत पड़ गई है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। किंतु उसके मन को कोई समझाने में सफल हो जाए कि नहीं इससे तुम्हें हानि यानी है, लाभ नहीं है, तो वो छोड़ देगा। यदि उसके मन में कोई विवेक दे दे कि देखो तुम अपना जीवन मांस में, शराब में, व्यसनों में क्यों खो रहे हो, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्राप्त करो कि कौन है अक्षरातीत, कहाँ है अक्षरातीत, कैसा है अक्षरातीत, तुम जड़ देवताओं की उपासना छोड़कर, जड़ पदार्थों की भक्ति छोड़कर एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति करो और अपनी आत्मा का जो अनन्य प्रियतम है, जिसके लिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति के अर्थ क्या होता है? देखिए, एक तो समाज में प्रचलित है नवधा भक्ति। नवधा से न्यारा कहो चौदह भुवन में नाय सुप्रीम कांस्य पाए जो बसत गोपियन मन। गोपियों ने अनन्य प्रेम किया, एक कृष्ण के अतिरिक्त तो उनके लिए कोई आराध्य नहीं था, और कृष्ण की बांसुरी सुनी तो पल भर में शरीर को छोड़कर युग माया में चले गई। ये क्या दर्शाता है? अनन्य निष्ठा हो हमारी उस अक्षरातीत के प्रति, जैसे गोपियों के अंदर कृष्ण के प्रति निष्ठा थी, हमारी आत्मा में एक सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यदि वो निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम कभी भी अपने जीव का कल्याण नहीं कर सकते हैं, अपनी आत्मा को परात्मा का दर्शन नहीं करा सकते हैं, न अक्षरातीत का दर्शन करा सकते हैं। लेकिन ये संसार क्या है? सुने हृदय नहीं संभार। संसार का हृदय सुना है। सुने का अर्थ क्या होता है? इस संसार के प्राणियों के हृदय में प्रेम नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से प्रकटे हैं? आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास ही तो संसार के सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इस जीव सृष्टि से परे है ईश्वरी सृष्टि, और ईश्वरी सृष्टि से परे कौन है? एक अक्षरातीत। स्वयं अक्षरातीत का वेश महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहा है, जगह जगह जा रहा है, वन वन भटक जा रहा है, गांव गांव, नगर नगर, और तो और अरब की धरती पर भी अपने चरण कमल रखता है। समझ संसार को वो अक्षरातीत की पहचान देना चाहता है। लेकिन सुने हृदय नहीं संभार। जिनका हृदय भक्ति से सुना है, ज्ञान से सुना है, आप उस रेगिस्तान में जाइए जहाँ कोई पौधा न होगा, कैसा लगता है? उसी तरह से जिस हृदय के अंदर प्रीतम परब्रह्म के लिए प्रेम के दो अश्रु नहीं बहते, परब्रह्म का ज्ञान सुनने की जिज्ञासा नहीं होती है, जिसके तड़प में
हृदय विरह व्यथा का अनुभव नहीं करता तो उस हृदय को सूना ही कहा जा सकता है। रस भरा हृदय क्या है? जो प्रीतम की बात सुनकर एक पल भी संसार में रहना नहीं चाहता। इसलिए स्वयं अक्षरातीत उस धाम हृदय में बैठे महामति जी के क्या कह रहे हैं, सत्य शब्द को कोई न चिन्हे सुने हृदय नहीं संभार। मैं जो अखंड का ज्ञान दे रहा हूं इसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो कहा है, रेहो दुनिया को तू कहां पुकारे ये सब कोई है सियाना। पछताते पछताते जब प्रबोधित करते करते स्वयं महामति जी ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरी बात को संसार में बहुत कम लोग सुन रहे हैं, सुनना तो दूर विरोध करने आ रहे हैं। आप देखेंगे प्राणनाथ जी जहाँ जाते हैं, चाहे सिद्धपुर जाए चाहे सूरत जाए वहाँ विरोध, सबसे पहले दीप बंदर जाते हैं वहाँ विरोध, मस्कत बंदर जाएंगे वहाँ विरोध, अवासी बंदर जाएंगे वहाँ विरोध, उदयपुर मंदसौर औरंगाबाद जहाँ जहाँ श्री जी के चरण कमल पड़ेंगे। और इस हिंदुस्तान में उस समय बोलबाला था किसका, जड़ पूजा का, मूर्तियों की पूजा का, एक परमात्मा की उपासना का विधान नहीं था। ग्रंथों में तो था लेकिन उस ग्रंथों के सत्य को कौन बताए, क्योंकि मुगल काल था और मुगल काल में हिंदुओं को इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि अपनी पाठशालाएं बना सकें, अपने विद्यालय खोल सकें और धन ग्रंथों की शिक्षा दे सकें। थोड़ी बहुत चोरी छिपे कुछ ग्रंथ पढ़ लेते थे, कुछ ग्रंथों का प्रवचन हो जाया करता था और उसमें भी जाति पाति का इतना अंधकार था कि ब्राह्मण शूद्र को स्त्री को कोई मंत्र नहीं सुनाते थे। ये जो कान में मंत्र फूकने की परंपरा कब से चली है, तभी से चली है। उन्होंने सोचा कि यदि हम सबके बीच में मंत्र बोलेंगे तो कोई भी सुन लेगा, इसलिए कान में चुपके से कह दिया करते थे और फूक देरी बाद में फूक मारने की परंपरा चल गई। ये अंध परंपरा है। चारों वेद उपवेद छह अंग छह उपांग में कहीं नहीं लिखा है कि कान में मंत्र कह करके फूक मारी जाए। फूक मारने से क्या होगा, कान में कोई धूल होगी तो वो तो थोड़ी बहुत साफ हो जाएगी, मन की मैल नहीं जाएगी। ज्ञान से आपके हृदय की मैल जाएगी, परमात्मा का ध्यान करेंगे तो आपकी मैल आपके मन की मैल जाएगी। उस अंध युग में जब सारा देश जड़ पूजा में लगा हुआ था, एकेश्वरवाद नहीं था, एक परमात्मा की भक्ति नहीं थी, हमारे वेद क्या कहते हैं, न तो अमान अन्यो, हे परमात्मा तेरे समान कोई दूसरा नहीं। और जब हम परमात्मा के समकक्ष किसी अन्य महापुरुष की मूर्ति को खड़ा कर देते हैं कि हम इसी को परमात्मा मानते हैं तो परिणाम क्या होता है, परमात्मा को आप चुनौती देने लगते हैं। कुछ वर्षों पहले एक विवाद छिड़ा था, जैसे आज भी आप देखिए साई बाबा के जगह जगह मंदिर बन गए, जो साई बाबा का बड़ा मंदिर है उसमें करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, एक महीने में पता नहीं कितने करोड़ का चढ़ावा चढ़ जाता होगा। साई बाबा तो एक महात्मा ही रहे, एक फकीर रहे हैं, परमात्मा तो नहीं। उन्होंने हो सकता है कुछ चमत्कार दिखाए हों, कुछ भक्ति की हो, लेकिन कोई भी फकीर कोई भी महात्मा तो परमात्मा की भक्ति करता है। लेकिन दुनिया इतनी स्वार्थी है, वो देखती है कि साईं बाबा चमत्कार दिखा रहे हैं तो हम उन्हीं की भक्ति करके सीधे उनसे क्यों ना ले लें। वो कहते हैं कि सबका मालिक है, एक दुनिया कहेगी कि नहीं हम तो आपको ही सब कुछ मानते हैं। भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति उसकी कीजिए जो अनंत सृष्टि को पैदा करने वाला है, अनंत प्राणियों को मुक्ति देने वाला है, जो जन्म से परे हो मृत्यु से परे हो, कभी दुखी नहीं हो, कभी माया के विकारों में नहीं फंसता हो। और जब श्री जी ये सुनाते हैं तो सारा समाज उनका विरोध करने लगता है। इसलिए कहते हैं कि रे हो तू कर तेरी होत अबेरी, मेरी आत्मा तू अपनी चिंता कर, इन संसार के लोगों को तू क्या ज्ञान देने चलिए। यही शब्द उठे अवनि में नहीं कोई नेह समाना, पहचान पीव तू अक्षरातीत ताही से रहो लपटाना। यही शब्द उठे अवनि में, पृथ्वी पर चारों तरफ से एक ही पुकार आती है कि नहीं कोई नेह समाना, प्रेम के समान कोई नहीं है। प्रेम कहाँ मिलेगा, प्रेम मिलेगा केवल अक्षरातीत के चरणों में। संसार में क्या होता है, राग और देश का ये संसार है। कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है,
सब दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखिया, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया लिखा। सब दरवाजे खोजे कबीरे, कबीर जी ने जगह जगह खोज की, बैकुंठ शून्य सब देखिया, बैकुंठ का वर्णन किया, निराकार का वर्णन किया, और क्या कर दिया, सार शब्द जाने बिना बूढ़ मुआ संसार। सार शब्द किसको कहते हैं, जो वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक और अनुभवात्मक, तीन तरह के शब्द बताए उन्होंने, शब्द का स्वरूप उन्होंने बताया। शब्द किसको कहते हैं, जैसे आप थाली में को ठोकें अपनी उंगली से तो उसमें झन की आवाज आती है, तो उसी तरह से जैसे मैं कह देता हूं कि एक गिलास पानी लाइए, तो मेरे कथने को तो आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक गिलास पानी लाइए तो आप सुन रहे हैं लेकिन उसको देख तो नहीं रहे। उसी तरह से शब्द के आधार पर यह सृष्टि चल रही है। ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, पहला तो वर्णात्मक, वर्णात्मक शब्द किसको कहते हैं, जिसमें 52 अक्षर आते हैं, 36 स्वर व्यंजन और 16 स्वर मिलकर के 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षरों में ही सारे ग्रंथ लिखे होते हैं, हिंदी के, संस्कृत के, या जो प्रांतीय भाषाओं के। अंग्रेजी के अक्षर अलग होते हैं, अरबी के भी अलग होते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृत में जितनी भाषाएं हैं, चाहे गुजराती लीजिए, हिंदी लीजिए, मराठी लीजिए, जो भी है, सभी 52 अक्षर आएंगे। इन 52 अक्षरों में जो कुछ भी लिखा जाता है वो क्षर है, क्षर ब्रह्मांड का है। इसके पश्चात 5 शब्द होते हैं जो ध्वन्यात्मक होते हैं, इनकी ध्वनि अखंड रूप से ब्रह्मांड में गूंज रही है। जब आप त्रिकुटी में, भ्रिकुटी में ध्यान करेंगे तो निरंजन शब्द सुनाई पड़ेगा, यहाँ दोनों भावों के बीच में। जब त्रिकुटी इसके ऊपर जाएंगे जहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ मिली हैं, तो उसको क्या कहते हैं, त्रिकुटी। त्रिकुटी में ध्यान करेंगे तो आपको ओम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, और आगे जाएंगे तो सोहम शब्द सुनाई पड़ेगा, और आगे जाएंगे तो निरंजन और शक्ति शब्द का अनुभव होगा, शक्ति और रणंग शब्द का अनुभव होगा। ये 5 ब्रह्मांडी शब्द हैं राधा स्वामी मत में, इन्हीं 5 शब्दों का जान दिया जाता है। लेकिन जहाँ ब्रह्मांड का अंतिम छोर है वो निराकार का मंडल है। जो साकारवादी होते हैं वो क्या मान लेते हैं कि विष्णु भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, कोई शंकर जी को मानता है, कोई नारायण को मानता है, कोई देवी को मानता है। इसी प्रकार सारा संसार साकार और निराकार की उपासना में फंसा रहता है। जब तक अक्षरातीत का बोध न हो तब तक प्रेम कहाँ से आए। जब प्रेम के स्वरूप को हम हृदय में धारण करेंगे तभी तो प्रेम आएगा, और तभी उसका, जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक आत्मा के हृदय में अखंड शांति का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं, यही शब्द उठे अवनि में नहीं कोई नहीं समाना, पहचान पीऊ तो अक्षरातीत, ताही से रहो लपटाना। अक्षरातीत की पहचान करनी है। जीवन का स्वरूप पर लक्ष्य है कि हम उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत की पहचान करें जो क्षर और अक्षर से परे है। आप गीता प्रेस की टीका लीजिए, उसमें क्या लिखा है, शरीर क्या है, क्षर है। ब्रह्मांड को वो क्षर मानते हैं, ब्रह्मांड वैसे क्षर है लेकिन वो शरीर को ही क्षर मान लेते हैं, उसमें जीव को अक्षर मान लेते हैं, और अक्षरातीत किसको मान लेते हैं, विष्णु को, आदि नारायण को ही वो अक्षरातीत मान लेते हैं। तारतम ज्ञान से ये रहस्य खुलता है कि जो आदि नारायण का स्वरूप है वो स्वाप्निक है, अक्षर का मन स्वप्न में प्रतिबिंबित होता है तो आदि नारायण का रूप ले लेता है। अब देखिए ये ब्रह्मांड बना किससे है, ब्रह्मांड शब्द तो पुल्लिंग है लेकिन प्रकृति तो स्त्रीलिंग है। यदि जिस कारण माया से, ये माया क्या है, ये माया आदि अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण होए के सफिरे आई के फिर। यही कारण माया निराकार रूप में रहती है तो निर्गुण कहलाती है, साकार रूप में प्रकट होती है, शब्द स्पर्श रूप प्रसगंध की अनुभूति होती है तो दुनिया इसको सगुण कहने लगती है। किंतु सगुण और निर्गुण का अर्थ समझना होगा। सगुण किसको कहते हैं, जिसमें गुण ही, जिसमें गुणों का वर्णन हो। परमात्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत प्रेम है, इसलिए परमात्मा को सगुण भी कहते हैं। निर्गुण इसलिए कहते हैं
कि प्रकृति के शब्द स्पर्श रूप रसगंध नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। परमात्मा को सगुण भी कहेंगे, निर्गुण भी कहेंगे, लेकिन निराकार नहीं कहेंगे। परमात्मा को न तो आप साकार कह सकते हैं न निराकार कह सकते हैं, वो तो साकार और निराकार दोनों से परे है। जो साकार से परे है, निराकार से परे है, क्षर से परे है, अक्षर से परे है, उस अक्षरातीत की खोज करना, उसके लिए जिज्ञासा करना, तत्व ज्ञान ग्रहण करना, ये मानव जीवन का सर्वोपर लक्ष्य होना चाहिए। सांप्रदायिक कट्टरता में मनुष्य को कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कट्टरता में मनुष्य अपना विवेक खो देता है। जैसे आज से 200 वर्ष पहले इतनी कारें नहीं थी, लोग बैलगाड़ी पर जाया करते थे। 200 क्या 100 वर्ष पहले ही अधिकतर के पास कारें नहीं होंगी। आज से यदि दुनिया रहती है तो सोचिए 100 वर्ष के बाद क्या होगा। मनुष्य खोज करता है, ज्ञान के सागर में जितना डूबता जाता है वही उसको प्राप्त होता जाता है। यदि आप किसी मत विशेष से सम्मिलित हो गए, किसी की बात सुनेंगे नहीं, अपने हृदय में चिंतन नहीं करेंगे कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तो आपके जीवन का स्तर वही बना रहेगा। इसलिए मनुष्य में ज्ञान को जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र व्यास जी लिखते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है? जिज्ञासा का विषय है। सबके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को जाने। यदि कोई व्यक्ति शंकर जी की भक्ति करता हो और कहीं किसी का सत्संग न सुने तो उसका सारा जीवन गुजर जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जबकि शंकर जी क्या कहते हैं कि हे उमा, मैंने परमात्मा को जानने के लिए 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई। एक ही बार का आसन लगाए 5000 दिव्य वर्ष बन गए। वैसे तो महेश्वर तंत्र में लिखा है हम और आप तो 5 दिन भी नहीं बैठ सकते। आप सोचिए 5000 दिव्य वर्षों तक शंकर जी की समाधि बनी रहती है, किस लिए? सच्चिदानंद परमात्मा को जानने के लिए। और उस समाधि में मैंने जो ज्ञान ईश्वर से सुना है, ईश्वर ने सदाशिव से सुना है, सदाशिव ने अक्षर ब्रह्म से सुना है, वह ज्ञान जैसा का तैसा मैं तुमको सुना रहा हूँ। शंकर जी तो स्वयं ऐसा कर रहे हैं, विष्णु भगवान स्वयं ध्यान करते हैं, सभी ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हैं, आदि नारायण को निराकार से परे का बोध नहीं है। इसलिए यदि हम किसी पंथ विशेष में सम्मिलित हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ज्ञान की जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए कि हमें और कुछ खोज करना है। क्योंकि यदि अक्षरातीत की पहचान नहीं हुई, पहचान पीउ तो अक्षरातीत ताही से रहो लिपटाना। अक्षरातीत के प्रेम में यदि हमारा हृदय लगा रहता है तो प्रेम यही बैठे बैठे हमें परम धाम की राह दिखाता है। और हमें होना क्या है? अहनिस आवेश हुआड़ा अंग में फिरिया दिलड़ा हुआ दीवाना। हमारा हृदय किसके प्रेम में डूब जाए? केवल अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के प्रेम में। संसार से फिर जाए, संसार से क्या होना होगा? मरना होगा। जो संसार से मर जाता है परमात्मा की तरफ से जीवित होता है। मरने का तात्पर्य शरीर से मरना नहीं, मन से मर जाना। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के किसी विषय से आसक्ति नहीं रखता, न वह रूप पर मोहित होता है, न जीवा के स्वाद पर मोहित होता है, न कानों की मधुर आवाज पर मोहित होता है, नासिका से ली जाने वाली सुगंध पर मोहित होता है, पांचों विषयों को जिसने जीत रखा है उसके लिए संसार होता ही नहीं। संसार में जीवित कौन होता है? जो संसार की ममता और अहंता में, मैं और मेरे में फंसा है। मैं और मेरा क्या है? ये मैं हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है। अहंता क्या है? मैं हूँ, यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। और मेरा क्या है? आपका घर द्वार है, आपके परिवार हैं, आपका समाज है। जैसे मैं पूछूं किसी भी व्यक्ति से कि आपका कोई है, तो क्या बोलेगा? कि आपको पता नहीं मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे इतने दादा दादी हैं, इतने खानदान वाले हैं, मेरे इतने रिश्तेदार हैं। पूछा जाए क्या सचमुच है, क्या बोलेगा? मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। देखिए इस संसार में हर प्राणी अकेले जन्म लेता है, मरने के बाद अकेले ही इस दुनिया से गमन करता है।
फिर भी ये मोह का ऐसा संसार है, उसको लगता है कि मेरा ही तो सब कुछ है, ये मेरा ही परिवार है, मेरा ही शरीर है। शरीर भी तो आपका नहीं है, यदि आपका अपना होता, अपने अधिकार में होता, तो कौन बूढ़ा होना चाहता है? कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है। और जो वृद्ध है वो भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना भी पड़ता है, बूढ़ा भी होना पड़ता है, रोग ग्रस्त भी होना पड़ता है, सब झेलना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति का संसार है और उसके नियमों का उल्लंघन करने पर प्रकृति अपने अनुसार हमें चलाती है, हम प्रकृति को नहीं चला सकते। मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। हम क्या करते हैं, सारे ब्रह्मांड का बोझ हम अपने सिर पर ढोए रहते हैं। किसी को कहिए कि भाई प्रतिदिन तुम्हें परमात्मा का 1 घंटा ध्यान करना है, तो पहले वो करेगा नहीं, क्या कहेगा कि अभी बहुत काम है। काम का बोझ इतना बताएगा कि मैं यदि ये काम नहीं करूं तो मेरा घर का गुजारा नहीं होगा। और आप सोचिए, अभी कोरोना का समय कुछ वर्ष पहले बीता है, सबके काम बंद हो गए थे और सबके पास समय निकल आया था, क्योंकि लग रहा था कि कब मेरा भी नंबर ना आ जाए। इसलिए यदि बोझ ये बोध हो जाए कि शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है और मृत्यु हर पल हमारे साथ है, तो मनुष्य कभी भी पाप नहीं करेगा। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया और कहने लगा कि महाराज जी, मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि मेरे से पाप ना हो, लेकिन पाप हो जाता है, मैं क्या करूँ? उस महात्मा ने कहा कि देखो, तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर मर जाना है, मैं देख रहा हूँ दिव्य दृष्टि से, इसलिए तुम्हें जितनी भक्ति करनी हो घर जाओ और केवल परमात्मा का चिंतन करो। वो घर चला जाता है। उसने सोचा कि महाराज जी ने कह दिया है, इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, कि तुम 1 हफ्ते में मर जाओगे तो मरना तो पड़ेगा, इसलिए जीवन भर में पाप करता रहा, अब तो न करो। 7 दिन उसने परमात्मा की भक्ति में गुजार दिए, लेकिन जब देखा कि 7वें दिन भी नहीं मरा, तो लौट करके आता है और कहता है कि गुरुदेव, आपका तो वचन झूठा हो गया, आपने तो कहा था कि मैं 7 दिन में ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो मरा नहीं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 1 हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन तो होता नहीं। मैंने कहा कि तेरी मृत्यु 7 दिनों के अंदर ही है, अर्थात जब चाहे आज मरो, चाहे 100-150 साल के बाद मरो, मरोगे तो 7 दिनों के अंदर ही मरना होगा, परमात्मा ने कोई 8वां दिन नहीं बनाया है। और मैं पूछता हूँ, क्या तुमने कोई पाप किया? कहता है कि मुझे तो डर सताया जा रहा था कि पता नहीं कब मर जाऊँ, 7वें दिन मुझे मरना ही है, इसलिए मैंने तो पाप का विचार ही नहीं छोड़ दिया, नहीं सोचा। उस महात्मा ने कहा कि देखो, इसी तरह से जो सच्चा संत होता है, हर क्षण मृत्यु को याद रखता है कि मृत्यु हमारे सिर पर हर पल मंडरा रही है, तो पाप करने से डरता है। आप जानते हैं, जब किसी के घर मृत्यु आती है तो सब लोग छाती पीट पीट कर रोते हैं। उस समय प्रायः हर कोई कोसता है कि हे परमात्मा, तूने बहुत गलत किया, ये मृत्यु को बना दिया। लेकिन जानते हैं, यदि मृत्यु की रचना न हो तो सारी दुनिया नास्तिक हो जाए। यदि बुढ़ापा न हो, मौत न हो, तो कितना कष्ट का हो जाएगा संसार में, आपने कभी सोचा नहीं है। एक वृद्ध को देखिए, जिसको चला नहीं जाता, बिस्तर पर लेटा है और बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसकी देह क्रिया हो रही है, तो उसके लिए नरक ही तो है। तो मृत्यु आकर उस पीड़ा से छुड़ा देती है और उसको नया तन देती है, पुनः नया तन उसको दिया जाता है कि इस जन्म में तुमने परमात्मा की भक्ति न की, अब तो तू सावचेत हो जाए। लेकिन फिर भी ये संसार ऐसा है, उस जन्म में आकर के भी जीव परमात्मा की खोज नहीं करता, बाहर देखता है, अपनी 5 इंद्रियों से बाहर के संसार को देखकर फिर उसी में उलझ जाता है। इसलिए माया का ऐसा झमेला है जिसमें से कोई ही पार निकलना चाहता है। तभी तो कहा है, रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, मद माती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। बार बार पुकार करने पर भी यह संसार सुनता नहीं है। और कोई बिरला होता है जो ये जानने का प्रयास करता है कि मैं अपने प्राणेश्वर अक्षर अतीत को जान जाऊं। आपका यह तन हर पल बदल रहा है, आपको नहीं पता चलता है।
दस साल के पहले आपके चेहरे की आकृति कुछ अलग थी, दस साल के बाद कुछ और हो जाएगी, बीस साल के बाद कुछ और हो जाएगी। आप जो भवन बनाते हैं हर क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इस परिवर्तनशील संसार में कोई भी वस्तु अखंड नहीं है। अखंड है क्या? आत्मा अखंड है, परमात्मा अखंड है। इसलिए अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना, परात्मा को जानना और आत्मा के अनाज प्रीतम उस अक्षर अतीत को जानना ही हमारे जीवन का स्वरूप पर लक्ष्य होना चाहिए। महामत प्रेमे खेले पियासो, ये मत है मस्ताना। एक तो संसार का खेल है जिसमें जन्म मरण रोग शोक दुख बुढ़ापा सब कुछ है, लेकिन संसार इसी में फंसा हुआ है। एक शराबी जब शराब पीकर गंदे नाले में गिरा होता है तो उसे कहिए कि चलो भाई घर चले, कहता है कि नहीं मैं इसी में आनंद में हूँ, क्योंकि गंदे नाली में पड़े रहना ही उसकी नियति है। उसको निकालिए तो उसको बुरा लगता है। एक नाली के कीड़े को जब आप किसी तरह से बाहर निकाल कर फेंकेंगे फिर भाग करके उसी में जाता है। क्यों? मनुष्य श्रेष्ठ का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि उसको बुद्धि का उपयोग करने का अधिकार मिला है। पशु पक्षी कीट पतंगों को यह अधिकार नहीं मिला है। इसलिए ये गुजरात की धरती का सौभाग्य है कि यहाँ परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए लोगों में तड़प होती है। आप विदेशों में जाइए, आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा बहुत कम होती है। चाइना में जाइए, जापान में जाइए, रशिया में जाइए, वो नास्तिक देश है। जापान जरूर बुद्धिस्ट देश है, लेकिन चाइना में और रशिया, यूरोप के भी कई देश हैं जहाँ परमात्मा के बारे में कोई चिंतन नहीं होता। इसलिए महामत प्रेमे खेले पियासो ए मद है मस्ताना। परमात्मा के प्रेम का नशा है कि आप देखिए मीराबाई अपने महल को छोड़ करके भक्ति के रंग में रंग जाती है, नाच नृत्य में मग्न हो जाती है, अपने कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब जाती है तो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने सोने के महल को छोड़ देते। बुद्ध ने छोड़ा, सिद्ध महावीर स्वामी ने छोड़ा, भर्तृहरि ने छोड़ा, जनक ने छोड़ा, प्राचीन काल के जितने राजा थे सभी 75 वर्ष के बाद अपने राजमहल को छोड़ देते थे। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी जीवन की चौथी अवस्था में छोड़ करके तप किया था। कहने का उद्देश्य क्या है? परमात्मा के प्रेम का नशा ऐसा है कि उसके सामने संसार का कोई भी नशा ठहर नहीं सकता। नानक देव जी ने क्या कहा है? नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रहे। नाम की जो मस्ती है वो दिन रात चढ़ी रहती है। माया के शराब का नशा तो कुछ घंटों में उतर जाता है, किंतु परमात्मा के प्रेम का नशा ऐसा होता है कि रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने था, उसको हीरे मोतियों के महलों में रख दीजिए तो लगता है कि ये मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है, मुझे ये सोने के महल नहीं चाहिए। इसलिए सुदोधन कितना भी प्रयास करके राजकुमार सिद्धार्थ को महल में के बंधन में नहीं रह पाए, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ के जानने की जिज्ञासा थी कि मुझे वैसा ज्ञान चाहिए कि मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, मैं बुढ़ापे से रहित हो जाऊं, मृत्यु के कष्ट से बच जाऊं, जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं। लेकिन यह जिज्ञासा किस में होती है? किसी किसी में होती है, अन्यथा सारा संसार माया के प्रवाह में बहा जा रहा है। और प्राणनाथ जी ने सरल शब्दों में सारे संसार को ये संदेश दिया है कि रे वो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये सब कोई है सियाना। उन्होंने कहा कि ये मध्य मस्ताना सियाने दीवाने क्यों कर संग होई। एक तरफ ये सियानी दुनिया है, सियानप लेके कंठ बधाए या छल रचियो है ना। कोई व्यक्ति ज्यादा चतुर होता है तो कुतर्क करके कहता है कि परमात्मा को किसने देखा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको मानते ही नहीं। तो पूछा जाए उसका मन भी तो नहीं दिखाई देता, उसका जीव भी नहीं दिखाई देता, तो क्या उसका जीव या मन नहीं है? हर वस्तु तो आंखों से दिखाई नहीं देती है। इसी कारण जीवन का स्वरूप लक्ष्य होना चाहिए वो अनादि अनंत सच्चिदानंद जो अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है, प्रेम और आनंद का अनंत सागर है, उसके हम जानने की जिज्ञासा रखें। एक स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रेम करें जो अक्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षर अतीत है। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसे एक पतिव्रता अपने पति से अनन्य भाव से प्रेम करती है,
उसी तरह से हमारे हृदय का संपूर्ण प्रेम उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत के लिए होना चाहिए और इसके लिए हमें उसके ध्यान में डूबना पड़ेगा, जो चितवनी की प्रक्रिया है उसमें डूबना पड़ेगा, तत्व ज्ञानियों के पास जाना पड़ेगा। तारतम वाणी के प्रकाश में हमें धर्म ग्रंथों का रहस्य समझना होगा कि वेद जिसको दर्शाते हैं, उपनिषद जिसको संकेतों में कहते हैं, संत वाणी जिसको कहती है, गीता जिसकी तरफ संकेत करती है, कबीर जी की बीजक की वाणी जिस सार शब्द को कहती है, वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको जाने, उससे हम प्रेम करें। मैं यहाँ के सभी धर्म प्रेमी सज्जनों के लिए, सुंदर साथ के लिए शुभकामना करता हूँ कि राज्य सबके अंदर विवेक दृष्टि डालें, जिससे वे अक्षरातीत के प्रेम में डूबें और अपने जीवन के एक एक पल को ब्रह्म ज्ञान के प्रसार में लगाएं, क्योंकि जो ज्ञान हमें मिलता है उस ज्ञान को संसार में बांटेंगे तो संसार का कल्याण होगा, अन्यथा यह संसार तो अंधकार में भटकता है, भटकता रहेगा। यदि इसको कोई बोध न दे, आप देखिए 1,40,00,000 केवल भारतवर्ष की जनसंख्या है, पूछा जाए 1,40,00,000,000 में कितने लोग हैं, क्या 1,00,00,000 लोग भी हैं जो परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं, तो उत्तर मिलेगा नहीं। जिसको जो परंपरा से सिखा दिया गया है कि कोई शालिग्राम की भक्ति में लगा है, कोई शिवलिंग की भक्ति में लगा है, कोई नदियों की पूजा कर रहा है, कोई वृक्षों की पूजा कर रहा है, कोई जिसके मन में जो आता है वही कर लेता है। इसलिए हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्राणनाथ जी की वाणी को फैलाएं। यह वाणी सबके लिए है, केवल हिंदू समाज के लिए नहीं है, सारे ब्रह्मांड के लिए है। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, इस संसार का सौभाग्य है कि अक्षरातीत की वाणी का अवतरण हुआ है, और जो कबू किन कानों ना सुने सुकरो दीदार कसम। अक्षरातीत का आवेश स्वरूप अपनी परमधाम की वाणी को लेकर आया है, इस वाणी को हम सबके लिए प्रशस्त करें। हम एक संप्रदाय के घेरे में न रहकर सारी मानव जाति के कल्याण के लिए सबको अक्षरातीत की पहचान दे, इसी में हमारे जीवन का गौरव निहित है। हम भी धन धन हो गए और दूसरों को भी धन धन करें।